क्या बात है, तुम सुबह सुबह किचन में, वो भी पूरे तैयार होकर। तुम यहाँ क्यों आ गई? तुम इधर आओ, बस यहाँ आराम से बैठो। अरे आज के बाद तुम कोई काम नहीं करोगी, सारे काम मैं करूंगा। और तुम्हें अगर कुछ भी चाहिए ना, बस मुझे आवाज लगाओ। इनफैक्ट आवाज लगाने की भी जरूरत नहीं है, बेल रखेंगे। घंटी का गुलाम तो मैं बन ही चुका हूँ, तुम बस घंटी बजाओ, मैं तुम्हारे सामने हाजिर। अलादीन के जीनी की तरह। यस, योर पर्सनल जीनी फॉर द नेक्स्ट 9 months। 9 months? यस माय लव। और भी बहुत सारे डूज एंड डोंट्स हैं, तुम कोई भारी सामान नहीं उठाओगी, डाइट का खास ख्याल रखना, जंक फूड का अलाउ नहीं। रिलैक्स, अभी तक हमने टेस्ट भी नहीं किया है। आई हैव ऑर्डर्ड अ होम प्रेगनेंसी टेस्ट किट, सो लेट्स जस्ट डू दैट, उसके बाद ये सब डिस्कस करेंगे। ओके ठीक है, तुम कर लो टेस्ट, बट आई एम 100% पॉजिटिव। मैंने किसान की तरह गर्मी बारिश ठंड की परवाह किए बिना दिन रात धरती को सींचा है, अपना बीज बोया है, अब अपनी लहलहाती फसल देखने का समय आ गया है मेरा। एंड आई डोंट नो व्हाई यू आर नॉट एक्साइटेड यार, मतलब अभी कितना कुछ करना है हमें, अपना घर रीडेकोरेट करना है, शॉपिंग करनी है और सबको बताना है। जस्ट इमेजिन मॉम को जब मैं बताऊंगा तो कितना अच्छा लगेगा। नो अभी, नो नो प्लीज, तुम किसी को कुछ नहीं बताओगे, स्पेशली मॉम को। जब तक टेस्ट नहीं करते तब तक किसी को कुछ नहीं बताएंगे। Promise me. जाओ, वो आ गया टेस्ट लेकर। क्या हुआ? कुछ बोलो यार। It's negative. I'm not pregnant अभी। मीरा, ये जो home tests होते हैं ना, कभी भी 100% एक्यूरेट नहीं होते। एक ब्लड टेस्ट करवा लेते ना, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। और आई एम 100% श्योर मेरी पॉजिटिव मैनिफेस्टेशन है यार, मैंने इतनी तैयारी कर ली है। कौन सी तैयारी? मेंटल तैयारी। ओके जस्ट हियर मी आउट, होम टेस्ट नेगेटिव आया है, ब्लड टेस्ट भी नेगेटिव आया, तो कितनी डिसअपॉइंट होंगे हम। जितनी एक्सपेक्टेशन बढ़ाएंगे ना, उतना ही हार्ट ब्रेक होगा। इसलिए आई सजेस्ट कि ब्लड टेस्ट नहीं कराते हैं, 2-4 दिन रुक जाते हैं, अपने आप क्लियर हो जाएगा। कुछ तो बोलो। नहीं मीरा, मैं 2-4 दिन वेट नहीं कर सकता, आज ही ब्लड टेस्ट कराते हैं। इनफैक्ट मैं तो कहता हूँ अभी चलो। अच्छा ओके फाइन फाइन, जस्ट गिव मी सम टाइम, मैं नहा के तैयार होकर आती हूँ, फिर चलते हैं। ओके जल्दी करो, मैं वेट कर रहा हूँ। या मीरा, क्या हुआ, जल्दी करो ना यार। तुम बैग बैग कहाँ है, चलो। ब्लड टेस्ट की जरूरत नहीं है हमें, आई जस्ट गॉट माई पीरियड। व्हाट? नींबू पानी, कॉफी एडिक्ट अब नींबू पानी पी रही है। मजबूरी है यार, आई डोंट हैव अ चॉइस दिस डेज, आई कांट हैव कॉफी ना। ऑफ कोर्स, थैंक यू, बट अब तो बहुत ही कम दिन रह गए होंगे ना। हाँ, एनी टाइम इन द सेकंड वीक ऑफ जुलाई। बस समीर चाहता है कि 7th जुलाई को हमें सी सेक्शन करवा के बेबी को बाहर लाना चाहिए। 7th को क्या है? उसका फेवरेट MSD का बर्थडे। MSD, मैसेंजर ऑफ गॉड? नहीं, MSD महेंद्र सिंह धोनी। ओह, ही इज समीर्स फेवरेट। सो बेसिकली समीर कह रहा है कि लड़का हो या लड़की, धोनी जैसा कूल, कंपोज और किलर इंस्टिंक्ट वाला होना चाहिए। बट मैं तो कह रही हूँ कि द बेबी गोज ऑन मी, तो वो नेचुरली कूल, कंपोज और किलर इंस्टिंक्ट वाला होगा या होगी, यू नो, बिकॉज़ आई एम लाइक दैट। आई नो। बट एनीवे, मैंने तो उसे कह दिया है कि अब तक सब कुछ नेचुरल हो रहा है ना, तो डिलीवरी भी नेचुरल होनी चाहिए। इफ यू डोंट माइंड, मैं एक पर्सनल क्वेश्चन पूछ सकती हूँ? ऑफ कोर्स मीरा, आस्क मी एनीथिंग, व्हाट्स अप। तो जब तुम लोगों ने डिसाइड किया कि नाउ वी वांट टू बी पेरेंट्स, तो उसके कितने टाइम बाद यू गॉट द गुड न्यूज़? ऑनेस्टली स्पीकिंग, हमें करना ही नहीं था। नोप। पर एक दिन समीर ने आके कहा कि वी शुड स्टार्ट ट्राइंग, एंड आई वाज आल्सो रेडी, सो वी स्टार्टेड ट्राइंग, एंड टच वुड, 1 महीने में हो गया। एक ही महीने में? वाओ यार, यू गाइस आर फास्ट। आई नो। तुम क्यों पूछ रही हो? यू गाइस आर आल्सो ट्राइंग? ओह माय गॉड, आई एम सो एक्साइटेड। In fact, हमें लड़का होगा ना, तो तुम दोनों को लड़का करना चाहिए, और हमें लड़की होगी, then you guys should have a girl, because I can pass on my stuff to you ना। तो कब दे रहे हो good news? हम try कर रहे हैं पिछले 6 महीने से, और we were hoping कि इस महीने भी, you know, but डॉक्टर से कंसल्ट किया? अभी तक तो नहीं। तो तुम्हें डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए ना। I mean, अगर तुम्हें प्रॉब्लम ही नहीं पता, तो तुम दोनों सोल्यूशन कैसे ढूंढोगे? मुझे लगता है हमें टेस्ट करा लेना चाहिए। कौन सा टेस्ट? फर्टिलिटी टेस्ट। यार मुझे कोई टेस्ट वेस्ट नहीं करवाना है, हम ट्राई करते रहे हैं, हैव सम पेशेंस। 6 महीने हो गए अभी, एक बार पता कर लेते हैं कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं है।
आज मैं सोनाक्षी से मिली थी तो शी ऑल्सो सेड कि वाई डोंट वी कंसल्ट अ डॉक्टर, और एक अच्छे डॉक्टर का नंबर भी दिया, रिचर्ड गुलाटी. डॉक्टर रिचर्ड गुलाटी, क्या क्रेडेंशियल्स हैं उनके? सोनाक्षी ने बोला और तुमने मान लिया. व्हाई आर यू डिफ्लेक्टिंग फ्रॉम द टेस्ट? हाँ, असली रीजन क्या है टेस्ट नहीं करवाने का? क्योंकि इसमें हम दोनों का फायदा है मीरा. अच्छा मान लो हमने टेस्ट करवाया और प्रॉब्लम मुझ में निकलती है, तो मुझे लगेगा कि औरत होने का जो सबसे बड़ा सुख है, एक माँ बनने का सुख, वो मैं तुम्हें नहीं दे सकता हूँ, जिसकी वजह से मैं जिंदगी भर गिल्ट में जीऊँगा. एंड वाइस वर्सा, प्रॉब्लम तुम्हें निकलेगी, यू विल ऑल्सो फील द सेम. तो हम दोनों में से कोई ना कोई जिंदगी भर गिल्ट में जिएगा, विच इज नॉट गुड फॉर आवर रिलेशनशिप इन द लॉन्ग रन. अरे हमारी छोड़ो यार, अगर माँ को पता चला तो क्या होगा, कभी सोचा है? वो तो बच्चे को लेकर ऑब्सेस्ड हैं. खुदा ना खास्ता तुम में प्रॉब्लम हुई तो वो तो मेरी दूसरी शादी करवा देंगे यार. कुछ भी ऐसा कुछ नहीं होगा, वो जैसी भी है शी लव्स मी. या शी लव्स यू, बट शी लव्स द होने वाला बेबी मोर. एंड आई लव यू मोर. अभी मैंने तुम्हारा एक्साइटमेंट देखा है, एंड व्हेन इट डिडंट हैपन, तुम्हारी डिसअपॉइंटमेंट भी. अभी मैं हर महीने सेम एंग्जाइटी, एंटिसिपेशन और डिसअपॉइंटमेंट से नहीं गुजर सकती. दिखा देते हैं ना एक बार डॉक्टर को, क्या पता डॉक्टर खुद ही बोले कि एवरीथिंग इज ओके, बस शायद हम ही कुछ गलत कर रहे हैं. अरे ऐसे कैसे यार, इतने सालों से कर रहे हैं, गलत कैसे कर सकते हैं? अभी अभी इस वक्त मजाक नहीं, प्लीज़ प्रॉमिस करो कि तुम मेरे साथ चलोगे टेस्ट करवाने के लिए, और चाहे रिजल्ट जो भी आए, हम उसका असर हमारी रिलेशनशिप पे नहीं पड़ने देंगे. ओके, आई प्रॉमिस. सो चौहान्स, कैसी लगी आपको ये हमारी फैसिलिटी? एक्चुअली इट्स रियली गुड. भाई बहुत मेहनत करी है हमने ये फैसिलिटी बनाने में, ताकि हमारी टू बी पापस को कोई दिक्कत ना हो. वैसे सैंपल जमा कर दिया आप? जी. देखिए बहुत प्रेशर होता है टू बी पापस पर, इसलिए चाहकर भी क्लिनिक में नहीं कर पाते, इसलिए हमने लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से लेकर ओल्ड स्कूल तक सारे इंतजाम कर रखे. अब डॉक्टर साहब रिपोर्ट्स कब तक आएंगी? अरे चौहान साहब, रिपोर्ट्स तो आनी है, आ ही जाएंगी. 6 महीने से अगर कुछ नहीं हुआ है तो प्रॉब्लम तो है. अब वो क्या प्रॉब्लम है, किसके साथ है, क्यों है, किस लिए है, वो तो जब प्रॉब्लम पता चलेगी तभी पता चलेगा. जी मान लेते हैं कि प्रॉब्लम टू बी पापा के साथ है. हाइपोथेटिकली, बुरा मत मानिए मिस्टर चौहान, इस केस में टू बी मम्मा क्या करेगी? या तो टू बी मम्मा कुड़ती रहे, रोती रहे और ये सोचे कि उसकी ऐसे मर्द से शादी हुई है, या फिर टू बी मम्मा बने आज की नारी और खेले अपनी खुद की बारी. डॉक्टर साहब व्हाट डू यू मीन, आप क्या सजेस्ट कर रहे हैं? अरे नहीं नहीं मिस्टर चौहान, टू बी मम्मा ले विक्की का ऑप्शन. हाँ, ये विक्की कौन है? अरे साडा विक्की डोनर भाई, विक्की, सनी, बॉबी, शान, अरे यही तो है अपने फर्टिलिटी क्लिनिक की जान. आप लोग एक काम करिए, आप तो ये फाइल देखिए, देखिए एक से एक नगीना है इसमें, प्राइस पॉइंट्स के साथ, लंबा, छोटा, पतला, मोटा, आईएएस, आईपीएस, आईआईटी, आईआईएम, जो भी चाहिए सारी वैरायटी है. और अगर आपको बॉलीवुड चाहिए तो भी मिलेगा. वैसे मिसेस चौहान कौन सा एक्टर पसंद है आपको? हाय, टाइगर श्रॉफ, रणवीर सिंह. नहीं नहीं कोई मैच्योर. हाँ, सलमान खान, शाहरुख खान, ऋतिक रोशन, इन सब का भी अवेलेबल होता है. इज दिस फॉर चैरिटी? अरे नहीं 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 नहीं, मैं ट्रू कॉपी की बात कर रहा हूँ. ट्रू कॉपी मतलब हूबहू, सेम टू सेम. और अगर टू बी मामा, आई मीन मुझमें प्रॉब्लम हुआ तो फिर तो सिंपल सॉल्यूशन है, मिस्टर चौहान की दूसरी शादी. व्हाट? अरे नहीं नहीं, मेरा कहने का मतलब ये है कि चौहान साहब करेंगे नहीं. आई कैन सी ही लव्स यू सो मच, तो वो ऐसा करने वाले नहीं है. लेकिन इस केस में जरूरत पड़ेगी आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन की. स्पैम आपका और अंडा और घोंसला किसी और का. ओके, बट डॉक्टर साहब अभी तक तो रिपोर्ट्स भी नहीं आए हैं, तो ये सब हम अभी क्यों डिस्कस? अरे देखिए मिसेस चौहान, क्या है, मैं ये सारी चीजें आप लोगों को इसलिए समझा रहा हूँ ताकि आप लोग इत्मीनान से इस पर विचार विमर्श कर सके. भाई आप लोगों को जल्दी है ना? डॉक्टर ने तो डरा ही दिया. एनीवे अब और दिमाग नहीं लड़ाते हैं और टेस्ट रिपोर्ट का इंतजार करते हैं. यस डॉक्टर गुलाटी जी. ओके ओके ओके, वी विल, थैंक यू.
किसका फोन था? डॉक्टर गुलाटी का। रिपोर्ट आ गई? क्या कहा उन्होंने? आई होप दिस नो प्रॉब्लम। प्रॉब्लम तो है। मुझ में या तुम में? हम दोनों में प्रॉब्लम है। मतलब मेरे तीर निशाने पर पहुंचने की कोशिश तो कर रहे हैं, पर पहुंचने से पहले तुम उन्हें भस्म कर देते हो। डॉक्टर गुलाटी ने ये कहा तुमसे? नहीं, उन्होंने कहा कि माय स्पैम हैव लो मोटिलिटी एंड योर यूट्रस हैज एन इनहॉस्पिटेबल एनवायरनमेंट। ओके, तो सॉल्यूशन का क्या है? सॉल्यूशन ये है कि हम कोशिश करते रह सकते हैं, पर चांसेस हैं कि हम नेचुरली प्रेग्नेंट कभी ना हो पाए। ऐसा क्यों लगता है कि ये बात हमारे बीच पहले भी हो चुकी है? हमारे साथ नहीं, फ्रेंड्स में मोनिका चैंडलर के साथ भी यही हुआ था। तो अब क्या करें? पता नहीं यार, ढूंढने के कोई रास्ता। सबसे पहले हमारे प्रेग्नेंट पॉज वाले एपिसोड को जो आपने इतना प्यार दिया उसके लिए थैंक यू सो मच एंड होप आपको ये वाला एपिसोड भी उतना ही पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू शिटी आइडियाज ट्रेंडिंग ऑन यूट्यूब। एंड गाइज, हमारी प्रेगनेंसी जर्नी तो शुरू होते ही इतना बड़ा स्पीड ब्रेकर आ गया है, तो हम लोग बहुत कन्फ्यूज हैं कि हमें क्या करना चाहिए। तो वी वुड रियली अप्रिशिएट कि अगर आप लोग हमें कुछ इनपुट्स दे सकें, कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए कि व्हाट शुड वी डू एज अ कपल, व्हाट शुड मीरा एंड अभी डू। तो प्लीज़ आइडियाज़ दीजिए हमें कॉमेंट्स में एंड उसके बेसिस पे हम हमारी कहानी को आगे भी बढ़ाएंगे। एंड कीप वॉचिंग एंड कीप स्प्रेडिंग लव। बाय-बाय, टेक केयर। बहुत ही अब्रप्ट हो गया। शॉर्ट एंड प्रिसाइज यार, मतलब डायरेक्टर ने बोला, बट दैट्स द वे इट शुड बी। नो, इट वाज नॉट अब्रप्ट, इट वाज परफेक्ट। बाय सर। परफेक्ट हां बॉस।